नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। और खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको बताते चलें कि आज टीका दिवस का आयोजन किया गया, जिसके चलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी सभी लोगों से अपील की गई कि टीका दिवस में सभी लोग शामिल हों और पात्र लोग कोरोना का टीका जरूर लगवाएँ। आज ज्योतिबा फुले जी की पावन जयंती है। एक महान समाज सुधारक जिन्होंने देश के अंदर सामाजिक समता की स्थापना में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अप्रैल से इस देश के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक 4 दिवसीय टीका उत्सव का आह्वान किया था। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को विजयी बनाने के लिए टीका उत्सव के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के अंदर आज 6000 केंद्रों में टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये टीकाकरण कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने और हर नागरिक को सुरक्षित करने के अभियान का हिस्सा है। 45 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति जिसने अभी तक कोविड-19 से संबंधित इस वैक्सीन को नहीं लिया है, वह अपने केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवा करके इस टीकाकरण का हिस्सा बन सकता है। और मानवता को बचाने के लिए इस सदी की जो भीषण महामारी है कोरोना, इससे बचाव के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, उस कार्यक्रम में वह सहभागी बन सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि 6000 केंद्रों में आज प्रदेशवासियों को वैक्सीन देने की कार्रवाई होगी। मेरी प्रदेशवासियों से अपील होगी कि कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर किस लड़ाई को लड़ रहा है। ये वैक्सीन बचाव का एक बड़ा माध्यम होगा। वैक्सीन सुरक्षित है। पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर व्यक्ति को इस वैक्सीन को लेना चाहिए। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हम सावधानी जरूर बरतें। याद रखना, बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है और कोरोना में जो बचाव के उपाय हैं, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसका पालन हमें अनिवार्य रूप से करना ही होगा। और हर व्यक्ति इसका पालन करेगा तो मुझे लगता है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को हम विजयी बनाने में सफल होंगे। 4 दिवसीय टीका उत्सव के इस कार्यक्रम के साथ हर व्यक्ति जुड़े, अपनी बारी का इंतजार करे, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के इस मंत्र को भी अपनाए। इस विश्वास के साथ प्रदेशवासियों को टीका उत्सव के साथ जुड़ने और इसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ साथ कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में सभी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, ये मेरी कामना है। और मुझे विश्वास है कि हम लोग अवश्य कोरोना को परास्त करेंगे, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, ये हमारा दृढ़ विश्वास है।